सेम टू सेम इंडिया के जैसे यहाँ पर बिल्कुल माहौल देखने को मिलता है। दिस इज फॉर एंड्रॉइड ऑल्सो, एंड्रॉइड एंड आईफोन बोथ यू कैन यूज। कुवैत की सबसे पुरानी मार्केट है, अभी हम लोग यहाँ पर हैं और ये जो लोकेशन है ये रात के टाइम में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है। ये लोकेशन काफी ज्यादा यहाँ पर फेमस है और यहाँ पे फोटो शूट होता हुआ दिन के मुकाबले रात में ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। और इसकी जो एंट्री है वो बिल्कुल फ्री है। ओके सो गाइज, आज हमारे ब्लॉग की लिस्ट में एक और नया नाम शामिल होने वाला है जिसका नाम है म्यूजिकल फाउंटेन शो। सो ये यहाँ पर कुवैत में जितने भी फेमस टूरिस्टी प्लेस हैं उनमें से ये समझ लो कि एक है। और ये यहाँ पर कुवैत सिटी में मालिया नाम की एक जगह है जहाँ पर एक चर्च है, यहाँ पर बहुत ही फेमस चर्च है, उसके पास में ये म्यूजिकल फाउंटेन लोकेटेड है। मतलब ये कि अगर हमको इस म्यूजिकल फाउंटेन शो में जाना है तो पहले हमको कुवैत सिटी में जाना पड़ेगा। और हम अगर कुवैत सिटी में जाएं और आपको हम कुवैत सिटी के नज़ारे ना दिखाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो इसलिए आज हम आपको इस म्यूजिकल फाउंटेन शो के साथ साथ कुवैत सिटी के भी नज़ारे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे मार्केट में। अभी हम लोग यहाँ पर फाहिल में हैं और फाहिल में एक एक्साइट नाम की एक मार्केट है जहाँ पर हमको एक माइक लेना है, सुमित को एक माइक लेना है उसके मोबाइल के लिए। सो पहले हम चलेंगे यहाँ पर माइक के लिए, उसके बाद में हम फिर चलेंगे आपको लेकर के कुवैत सिटी में। ओके A few moments later. So guys, ये है वो एक्साइट मार्केट जो कि ये यहाँ पर फाहिल में लोकेटेड है, इसके अंदर हमको जाकर के एक माइक लेना है। तो चलो चलते हैं इस मार्केट के अंदर और देखते हैं यहाँ पर माइक अवेलेबल है या नहीं है। अगर यहाँ पर मिल गया तो ठीक, अगर यहाँ पर नहीं मिलेगा तो फिर हम यहाँ से चलेंगे दूसरी मार्केट में, वो हम देखेंगे जाकर कुवैत सिटी में। ओके तो ये वो एक्साइट मार्केट है, अंदर से अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैकबुक, एप्पल फ़ोन, सारा कुछ, एंड्रॉयड के जितने भी लैपटॉप और मोबाइल है सारा कुछ मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर ये आईफोन सेक्शन है जहाँ पर आपको आईफोन के जितने भी मॉडल हैं सब मिलेंगे। ये वो यहाँ पर कुछ अंदर का नज़ारा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितना भी सामान है सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको डाउन फ्लोर में दिखा रहा हूँ जहाँ पर देखो वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितना भी सामान है छोटे से बड़ा हर सामान यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी, आई नीड वन बोया माइक, दिस मोबाइल वायरलेस माइक। यस, दिस लुक इन दिस वन वी डोंट हैव ब्रदर, फिनिश दिस वन ऑलरेडी। यू डोंट हैव? या दिस इज फॉर आईफोन एंड यस दिस इज फॉर एंड्रॉइड आल्सो। या एंड्रॉइड एंड आईफोन बोथ यू कैन यूज, देयर इज टू कैटेगरी, वन आईओएस वन फॉर एंड्रॉइड। Yeah. Finish, we don't have here this one. 16KD iPhone, Android 15KD. Android 15KD. Hmm. So where we can get this now? Have any in other another branch? Finish. No, only Livan Mall, iOS Livan Mall, only one piece available. I saw. Only one piece, that one also. For iOS, iPhone. Uh-huh. For Android... No. It's all showroom finish. Okay guys, so अभी हमको यहाँ पर माइक नहीं मिला तो इसलिए हम लोग अब यहाँ से चलेंगे डायरेक्ट कुवैत सिटी में और वहाँ पर हम देखेंगे, अगर वहाँ पर कोई माइक मिल गया तो ठीक है। यहाँ पर माइक मिल रहे हैं लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, 40KD 30KD ऐसे यहाँ पर माइक मिल रहे हैं। जो हमको बोए का माइक चाहिए था वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो अभी हम यहाँ से आपको डायरेक्ट मिलेंगे कुवैत सिटी में। ओके तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं कुवैत सिटी में और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ये है अशोक अल मुबारकिया मार्केट जो यहाँ पर कुवैत सिटी में है। ये कुवैत की सबसे पुरानी मार्केट है, अगर इसका व्लॉग आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लेना, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद में हम कुछ यहाँ के शॉट लेंगे, उसके बाद में हम चलेंगे दूसरी लोकेशन पे। ओके तो ये है अशोक अल मुबारकिया मार्केट जो कुवैत की सबसे पुरानी मार्केट है। अभी हम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ के हमने कुछ शॉट लिए, अब यहाँ से हम लोग निकल के जा रहे हैं दूसरे एरिया में और वहाँ पर पहुँच के हम आपको मिलते हैं। ओके सो गाइस अभी मैं यहाँ पर हूँ कुवैत सिटी में, एक सफद स्क्वायर नाम की एक जगह है जहाँ पर ये बहुत ही अच्छे अच्छे फाउंटेन्स हैं और ये जो लोकेशन है ये रात के टाइम में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। इसकी जो लाइटिंग है
वो काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पर ये देखो कितने सारे यहाँ पर फाउंटेन्स हैं और ये टाइम टाइम पर क्लोज और ओपन हुआ करते हैं, और इसके बैक साइड में भी काफी ज्यादा यहाँ पर फाउंटेन्स हैं। ये जो एरिया है ना, ये रात के टाइम में, वहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रात के टाइम में जो लाइटिंग है ना काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है, और रात के टाइम में ये जो फाउंटेन है ये भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो आप जब भी क्वेट सिटी में आना तो इस लोकेशन पे एक बार आकर के जरूर ट्राई करना। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर मालिया में। ये जो केपसी है ना, ये लोकेशन काफी ज्यादा यहाँ पर फेमस है। जिसको भी यहाँ पर आना होता है या किसी को भी यहाँ पर मिलना होता है वो यहीं पर आता है। और यहाँ पर आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद में आए, उसका रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम से कुवैत के अलग अलग लोकेशन पे जाके मैं व्लॉग्स को शूट कर रहा था, इसलिए यहाँ पर आज मैं काफ़ी दिनों के बाद में आया हूँ। सो अभी हम यहाँ पर कुछ शॉट लेंगे, उसके बाद में हम चलेंगे जहाँ पर हमको फाइनल लोकेशन पर जाना है, जिसका नाम है म्यूजिकल फाउंटेन। एक चीज़ ये आपको मैं एक बार फिर से दिखा दूं, काफ़ी बार मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ। फ्राइडे का दिन है आज ये, और फ्राइडे के दिन यहाँ पर ये जो लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। लास्ट टाइम जब यहाँ पर आया था, ये मुझे नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पता नहीं क्या कुछ ब्रिज टाइप का या कुछ बना रहे हैं यहाँ पर, इससे पहले ये चीज़ यहाँ पर नहीं थी। ये नया कुछ यहाँ पर बन रहा है, पता नहीं क्या है। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं, ये जो मालिया ब्रिज है ना इसके ऊपर आ गए हैं, और यहाँ से पहले जो हम लोग केपसी के पास थे ना, अब यहाँ से वहाँ से चलने के बाद में हम लोग जा रहे हैं मालिया बीच के साइड में, और वहाँ मालिया बीच में जाने के लिए ये जो ब्रिज है इसको हमको क्रॉस करके जाना पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हम लोग वहाँ से चलते हुए आए हैं इस ब्रिज पे जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, और ये देखो हाईवे बना हुआ है और यहाँ पे फोटो शूट होता हुआ, काफ़ी लोग यहाँ पे टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर फोटो लेते हैं, क्योंकि ये लोकेशन जो है वो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो भाई लोग, ये जो लोकेशन है अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है मालिया बीच, और ये है आज फ्राइडे का दिन, इसलिए यहाँ पर फ्राइडे के दिन आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके का कुछ यहाँ पर आपको माहौल मिलेगा। और फ्राइडे के दिन जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो ज़्यादातर एशियन कंट्रीज के जितने भी लोग हैं ना, वो ज़्यादातर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसे फिलिपीन हुआ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितनी भी ये कंट्री है उन कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर नॉर्मली आपको यहाँ पर फ्राइडे के दिन बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे। ये यहाँ से देखो सामने पूरा जितना भी एरिया है ना, सब जो है लाइन से लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो है ये ग्रास पे, घास पे लोग बैठे हुए अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और आगे एक फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पर भी कुछ लोग अपना प्ले गेम खेलते हैं, टाइम पास करते हैं। तो कुछ यहाँ पर इस तरीके का दिन रहता है फ्राइडे के दिन। यहाँ पर आने के बाद में आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी दूसरी कंट्री में या कुवैत में हो, ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ पर आप अपने इंडिया में ही हो, क्योंकि सेम टू सेम इंडिया के जैसे यहाँ पर बिल्कुल माहौल देखने को मिलता है। पूरा क्राउडेड एरिया है, यहाँ पर पूरा फुल पब्लिक रहता है। ये अभी मेरे कुछ सामने का माहौल है, देख लो कितना ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक है, देख के लगता ही नहीं कि यार ये कुवैत है, ऐसा लगता है कि हम किसी इंडिया में किसी सिटी में हैं। तो गाइज़ अभी हो गया नाइट का टाइम, शाम हो चुका है, दिन ढल चुका है, और ये जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ये है सामने यहाँ पर मालिया चर्च, जो कि मेरे ख्याल से कुवैत का सबसे बड़ा चर्च है। और यहाँ से हम लोग को क्रॉस करके, ये जो रोड है ना, यहाँ से हमको रोड क्रॉस करके यहाँ पर एक ये बोर्ड मिला है जहाँ पर ये गार्डन का जो म्यूज़िकल फाउंटेन गार्डन है उसका ये कुछ एरो दिया हुआ है। यहाँ से हमको मतलब यहाँ से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तो अभी यहाँ हम थोड़ा आगे जाएंगे, गूगल मैप में यही दिखा रहा है, तो देखते हैं आगे मिलता है कि नहीं मिलता। ओके सो फाइनली गाइज, ये जो म्यूज़िकल फाउंटेन पार्क है यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, इसके अंदर अभी हम लोग हैं, और यहाँ पर यार आने में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दिक्कत पड़ी, इसकी जो लोकेशन है मिल नहीं रही थी, लेकिन फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए। पार्किंग, यहाँ का जो पार्किंग है वहाँ से हम लोग उसके अंदर से हम लोग को यहाँ पर होकर के आना पड़ा। और ये जो म्यूज़िकल फाउंटेन है ये यहाँ पर कुवैत सिटी में लोकेटेड है, और इसकी जो एंट्री है वो बिल्कुल फ्री है। ये जो फाउंटेन शो होता है ये बिल्कुल आप यहाँ पर आकर के फ्री में देख सकते हैं। और ये जो फाउंटेन पार्क है ये यहाँ पर जो शुएक बीच है और जो मालिया बीच है और सिटी में, कुवैत सिटी में ये जो चर्च है, बहुत ही बड़ा क्रिश्चियन लोग का चर्च है, उसी के जस्ट सामने ही ये लोकेटेड है। गूगल मैप में इसकी लोकेशन अवेलेबल है, तो उसको फॉलो करके आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं।
अभी हम लोग यहाँ पर नाइट के टाइम में आया, नाइट के मैं यहाँ पर जानबूझ के नाइट के टाइम में आया था क्योंकि मैंने इसके कुछ वीडियोस को देखा था, तो नाइट के टाइम में इसके जो फाउंटेंस है वो ज़्यादा कलरफुल दिखते हैं दिन के मुकाबले, तो इसीलिए मैं जानबूझ करके रात में आया था। लेकिन अभी जब हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर पूरे पार्क में एकदम अंधेरा है, लाइट का उतना ज़्यादा सिस्टम अच्छा नहीं है, पूरा डार्क है। लेकिन जो फाउंटेन एरिया वहाँ पर कुछ लाइटें जल रही हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। और जब यहाँ पर फाउंटेन्स चलेंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या यहाँ पर चलती हैं फाउंटेन्स, और जो मैंने देखा था वो वैसे ही यहाँ पर है या नहीं है वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये जो मैं आपको अभी फाउंटेन्स दिखा रहा हूँ ये म्यूजिक के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, और इसीलिए मैं रात में आया था क्योंकि दिन के मुकाबले रात में ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी गाइज ये जो फाउंटेन शो जो चल रहा था अभी देखो पूरा बिल्कुल बंद हो गया, म्यूज़िक के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे थे, और जैसे ही म्यूज़िक बंद हुआ ये फाउंटेन भी बंद हो गया, उसके साथ में यहाँ पर जो लाइट जल रही थी वो भी पूरा एकदम बंद हो गया। तो ये जो फाउंटेन्स है ये यहाँ पर म्यूज़िक के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और हर आधे घंटे के बाद में ये फाउंटेन शो होता है, और करीब 4 से 5 मिनट तक ये फाउंटेन शो होता है। और ये यार जो फाउंटेन पार्क है ना ये काफ़ी बड़ा बनाया हुआ और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोग अभी थोड़ा नाइट में आए, अगर दिन में आते तो इसके जो नज़ारे वो और अच्छे से हम आपको दिखा पाते, लेकिन नाइट के टाइम में यहाँ पर लाइट का थोड़ा इंतज़ाम जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर आना है तो दिन के टाइम में आएँ, शाम के टाइम में वही करीब 5 या 6 बजे के टाइम में, ताकि आप दिन का भी यहाँ का जो व्यू है वो ले सकें और रात का भी व्यू ले सकें। ओके ओके, सो उम्मीद है गाइस आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक यार ज़रूर कर देना, और अगर आप भी इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा, वो ये अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर कोई भी नया व्लॉग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के इस व्लॉग को अब हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।